अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग्स, आज मैं आपके साथ हूँ एडमेडो ऐप को लेकर। इस सिलसिले में एक ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं। ये ट्यूटोरियल जो है आपको इसलिए बनाया है, कुछ हमारे टीचर्स को इसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो उस सिलसिले में ज़रा शॉर्ट एंड ब्रीफ इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करेंगे फ्रॉम दी प्ले स्टोर। उसके बाद आप देखें इस तरह ये इसकी आइकन आ जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे तो ये इसका इंटरफेस है। इसमें क्रिएट ए फ्री अकाउंट पे जाएं आप, अगर आपने पहले से नहीं बनाया हुआ तो बना लीजिए। अगर तो ये टीचर और स्टूडेंट दो ऑप्शन है, आप आइदर टीचर पे जाएंगे, उसके बाद आप इसको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालें। लेकिन अगर गूगल अकाउंट आपका है तो वो नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन में होता ही है, तो उसको आप वहीं से ये उसको टैप करेंगे तो वहीं से ये ऑटोमेटिकली देखें इसको पिक कर लेगा। है, ये इस तरह अभी इसका अकाउंट बन रहा है। अच्छा, ये तो मेरा अकाउंट चूँकि पहले से बना हुआ था, थोड़ी इसमें एक्टिविटी आ रही है, वरना ये वैसे इस किस्म की ये चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ क्लासेस हैं, क्लासेस पे आप जाएंगे, पे मैंने दो क्लासेस बनाई हुई हैं तो इसमें आ रही हैं। अगर आपने नहीं बनाई हुई होंगी तो यहाँ ब्लैंक आएगा। ये देखें, ये आप मज़ीद क्लास भी बना सकते हैं प्लस के साइन से। यहाँ आप क्रिएट क्लास पे जाएँ, क्लास क्रिएट जो आपने करनी है, क्लास का जो नाम रखना है आपने, लेट सपोज आपने रखना है फिज़िक्स और आप रखते हैं फर्स्ट ईयर, आगे सेक्शन चाहें तो आप लगा दें ए जो भी सेक्शन है, या वरना आप फर्स्ट ईयर के जितने भी सेक्शन आप पढ़ाते हैं उन सब के लिए एक क्लास बनाते हैं, सेकेंड ईयर जो पढ़ाते हैं आप उनके लिए एक बना दें, अलग अलग सेक्शन वाइज ना ही बनाए तो भी कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट एरिया जो है वो आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, साइंस साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स यहाँ आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ हैं इस तरह, ये बाकी स्टडीज़ में नहीं है ऑप्शन तो इसमें वो हिस्ट्री वगैरह रख दें, कोई इससे कोई इशू नहीं है। ज्योग्राफी रख दें या ऑल सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट रख दें। लैंग्वेजेस आर्ट में जाएँ तो इंग्लिश है, उर्दू इसमें नहीं है, वो आप ऑल अदर ऑल लैंग्वेजेस आर्ट क्लिक कर दें तो कोई इसका ऐसा इशू नहीं है। वरना इसमें नीचे आप अदर्स में जाएंगे तो वहाँ अदर्स भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से बच्चे ने नहीं जाना होता, बच्चे ने स्कोर से जाना होता है जो आपने प्रोवाइड उसको करेंगे। तो सब्जेक्ट एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज यहाँ साइंस में से फिज़िक्स सेलेक्ट किया है इन्होंने, तो ग्रेड आप कौन सा किस क्लास का है, ये 11th 12th है तो आप ग्रेड रख लें 11 से 12th तक, राइट। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो नीचे ये क्रिएट क्लास हो जाएगी, राइट। ये क्लास आप देखिए क्रिएट हो गई है, राइट, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। अब ये इस क्लास में आपने यहाँ पे ये फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर में वो मटेरियल है जो आप अब तक इसमें डाल चुके हैं या देखें अपलोड कर रहे हैं। फोल्डर का नाम आप रख लें, लेट सपोज आपने रख दिया असाइनमेंट्स, ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। और इस फोल्डर में आप चाहें तो ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है, फोल्डर में आप अपना डेटा जो भी आपने डालना है वो आप इसमें रख दें, ये आपकी एक फ़ाइल बनती रहेगी, सेव होता रहेगा डेटा यहाँ पर। ये असाइनमेंट का फोल्डर खुल रहा है, चलें मेंबर्स पे जाते हैं। मेंबर्स में यहाँ वो मेंबर्स होंगे जो जो इस ग्रुप में ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तो कोई ऐड नहीं हुआ तो लिहाजा ये एम्प्टी है। ये ग्रुप का इसका क्लास का कोड है, ये कोड आप कहीं नोट कर लें, ये कोड हम बच्चों को देंगे SMS के ज़रिए, ठीक है। SMS करेंगे आप बच्चों को ये कोड, जब वो एज ए स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो ये कोड एंटर करेंगे जिसके नतीजे में वो इसी क्लास पर पहुँच पाएंगे। ये जो बच्चों को SMS करना है वो उनके लिए लिस्ट जो है आपको ग्रुप में शेयर की हुई है, वहाँ नंबर मौजूद है उनके, उस नंबर पे आप एक SMS कर दें, उनका फॉर्मेट एक SMS का भी हम ग्रुप में डाल देंगे। तो ये शेयर लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक कॉपी हो जाता है, कॉपी करके आप पेस्ट कर लें कहीं, अगर लिखना नहीं चाहते आप तो कहीं, राइट। इसी तरह जब आपने कोई इसमें पोस्ट डालनी है तो यहाँ गए ऊपर देखिए, यहाँ आप ये ऑप्शन है देखिए, शेयर रिसोर्स फोटोज़ और आर्टिकल्स, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने लिखा, लेट सपोज आपने कुछ आपने क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने कहा सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग्स,
राइट। उसके बाद आप ये एक क्लिप बना हुआ है इसमें, इसका मतलब है आप अटैच कर सकते हैं इसको। आप अटैच करेंगे कोई भी, इसमें फ़ाइल आप अटैच कर सकते हैं, इन पेज की फ़ाइल अटैच कर सकते हैं, कोई आप पीडीएफ फाइल कर सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल कर सकते हैं, कोई हाथ से आप लिख कर उसकी पिक्चर खींचेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा। फ्रॉम माई डिवाइस, फ्रॉम माई डिवाइस से करें आप ये, परमिशन यस कर दें आप, राइट। तो ये आपकी खुल जाएगी गैलरी। ये इसको आप और फर्दर खोलें तो जो आपने इमेज डालना है लेट्स अप, ये जो भी है, ये जिस तरह एक ये इमेज अब मैंने भेजना था तो मैं पहले से बना के रखा हुआ है, ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ एरो को क्लिक कर देंगे, टैप करेंगे तो ये उन ग्रुप में जितने ही मेंबर्स होंगे उनको ये सेंड हो जाएगा। ये तब, ये आप तब करेंगे जब पहले आप, आपके पास वो ग्रुप में लोग ऐड हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ मेंबर्स आप देख सकते हैं, और इसमें ऑप्शन जो हैं वो ग्रुप्स के हैं, फोल्डर्स हैं, पोस्ट हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसमें मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस आपके पास आए होंगे, अभी तो कोई नहीं है तो नो मैसेजेस, सेंड अ मैसेज अपने रेसिपेंट्स जिस चीज़ को भेजना है आपने, लेकिन बहरहाल वो ज़रूरत नहीं है, आपने असाइनमेंट ही भेजने हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि ड्यू डेट क्या होनी चाहिए असाइनमेंट की, लेकिन चूंकि हमें कोई ड्यू डेट गुजर गई फिर तो कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, फिर सबमिट भी नहीं करा सकेगा, बेहतर है कि ना रखें, आप ऐसे ही उनको दे दें, सबमिट कर दें। बाकी फर्दर अगर आप इसमें इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये और भी आपके पास आता रहेगा। ये सामने फ्रंट इसका जो मेन पेज है वो ये है। आई होप कि आप इसको प्रोसेस कर लेंगे। थैंक यू।